नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई होम विजन में। और हम भी बहुत दिनों से जो वीडियोस बना रहे हैं वो आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है और लोगों ने वीडियोस देखने के बाद नॉलेज भी लिया है। मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिव्यूज आए हैं कि सर और वीडियोज बनाए। देखिए, और वीडियोज बनाना मतलब मेरे पास जो डेली क्लिनिक्स में केसेस आते हैं, मैं वही टेस्टिमोनियल वीडियोज या ऐसे वीडियोस जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो, जो आपका नॉलेज बढ़े और आपका जो टैबू है, जैसे डर है आपके अंदर, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं देखता हूं कि अगर 40 से 50 पेशेंट हमारे सेंटर में आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो मैक्सिमम केसेस में ये कॉमन डिजीज होती है, ये कॉमन बीमारी होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब आप बोलेंगे सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ कंडीशन व्हेन द पेशेंट अनेबल टू मेंटेन और सस्टेन इरेक्शन समटाइम्स ऑब्टेन। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है और कभी कभी ये ऑर्गेनिक प्रॉब्लम भी होती है। साइकोलॉजिकल मतलब बहुत सारे लोग एक एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि वो बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं नर्वाइन वीकनेस की वजह से। उनका वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है, उनकी इम्यून सिस्टम भी वीक रहता है और वो चिड़चिड़े बहुत रहते हैं। ऐसा ही कंडीशन बन जाती है एंजाइटी कन्वर्ट इनटू परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब पेशेंट जाता है संभोग करता है, उससे संभोग नहीं हो पाता है तो वो दिमाग में उसके बैठ जाता है कि मैं संभोग नहीं कर पाया, मेरे लिंग में कड़कपन नहीं आया, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई दिक्कत है। और वो दिक्कत उसके शारीरिक तरीके से नहीं, वो मानसिक यानी एंजाइटी परफॉर्मेंस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। और वही कारण होता है कि वो आगे जब भी संभोग करता है उसके दिमाग में पूर्व पिछला वो एपिसोड, जिसको बोल सकते हैं पूर्व घटना जो उसके दिमाग में बन गई है, उसके दिमाग में बैठ गई है कि मैं नहीं कर सकता संभोग, मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही थी और ये दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में उसके अवचेतन मन में ये स्टोर हो जाती है। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, या एक ऐसी प्रॉब्लम जो उसके दिमाग में मन घड़त उसने बिठा ली है। सेकेंड प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक। देखिए, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम मतलब कोई ना कोई वेस्कुलर डिजीज हो, या उसके मन में कोई भी ऐसी शंका भी नहीं थी, चिंता भी नहीं थी, तनाव भी नहीं था, मगर वो बहुत ज्यादा मास्टरबेट करता था, या उसको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या उसका ब्लड प्रेशर एकदम शूट हो रहा है, या कोई व्याग्रा मेडिसिन सिल्डेनाफिल कैटेगरी की या कैडिलफिल कैटेगरी की सियालिस, जैसे वो लंबे समय से वो ड्रग एडिक्ट है, वो ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसको लेने के बाद ही उसको तनाव आता था, तो ऐसी मेडिसिन लेने के बाद उसका एक एडिक्शन बन जाता है। जैसे कोई भी चीज आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो एडिक्शन हो जाता है, वैसे ही वो एक पिल्स लेता है, जब ओवर द काउंटर मेडिसिन लेता है और वो लेने के बाद ही उसको इरेक्शन आता था, और वो एक जब वो मेडिसिन लेना छोड़ देता है तो उसका इरेक्शन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, नर्वाइन वीकनेस भी एक कारण है और एंजाइटी भी एक कारण था जो मैंने आपको बताया। और ऑर्गेनिक प्रॉब्लम में बहुत सारी डिजीजेस होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, लीवर किडनी की डिजीज हो सकती है और उसकी लाइफ स्टाइल भी हो सकती है। स्मोकिंग भी एक कारण रहा है, टोबेको स्मोकिंग भी एक कारण, टोबेको भी एक एडिक्शन भी एक कारण रहा है, एल्कोहलिज्म भी एक कारण, ओवर ड्रिंक अब्यूज ऑफ एल्कोहल ये भी एक बहुत मेजर कारण, और अनिद्रा, जब पेशेंट प्रॉपर नींद नहीं कर पाता, उसकी माइंड रिलैक्स नहीं रहता, उसको थकान बनी रहती है और बहुत ज्यादा ओवर खाना खाने की वजह से, सेक्स करने से पहले जब बहुत ज्यादा वो खाना खा लेता है तो भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि पेशेंट को इरेक्शन नहीं आता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स का एक ही समाधान है कि सबसे पहले हम अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें। अगर पेशेंट अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कर ले, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं, सुबह उठते से ही आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए गर्म पानी पीना है, 2 ग्लास गुनगुना पानी, उसके बाद आपको एक लहसुन, कच्ची लहसुन, आजकल ईरानी लहसुन और कश्मीरी लहसुन के नाम से बहुत ही अच्छे मेडिसिन आ गए हैं, और वो मेडिसिन ना बोल के आपके एक लहसुन, एक ऑर्गेनिक लहसुन है वो, आप खाइए कश्मीरी लहसुन के नाम से, उसको 2 लहसुन भी अगर आप खाते हैं, ऊपर से गर्म पानी नींबू शहद डाल के एलोवेरा लेते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट, ठंड का समय तो मैं ड्राई फ्रूट हमेशा प्रेफर करता हूँ, ठंड है तो क्वांटिटी ज्यादा लीजिए, ठंड नहीं है तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, जैसे अंजीर है, बादाम है, मुनक्का, अखरोट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर एक हेल्दी डाइट के लिए आप ग्रीन टी पीना शुरू करिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, और साथ में वॉक जरूर करिए। ब्रिस्क वॉकिंग को हमने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है, ब्रिस्क वॉकिंग एक ऐसा तरीका है जो आप तेज तेज ना चल के बहुत मेंटेन करते हैं स्पीड को, लंबे समय तक आपको कभी की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपका हार्ट अच्छा रहता है, आपका ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ेगा नहीं, और ये बहुत अच्छा तरीका है, आपकी पूरी बॉडी मूव करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। और इसके साथ हेल्दी डाइट के लिए आप कोलेस्ट्रॉल कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ले, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, और आपके लिए ऑयल बहुत अच्छा जरूर, कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल, और रात में लेट नाइट खाना ना खाएं, लेट नाइट खाना खाने से आपका फैट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका फैट बढ़ेगा ओबेसिटी बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना स्वाभाविक। और साथ में कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, आप बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवाई, अपनी सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी प्रोहिबिटेड।
और मैं लास्टली एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं आप प्रॉपर तरीके से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने नजदीकी किसी भी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमसे संपर्क करना चाहे, हमारा हेल्पलाइन नंबर 9893881001। आप कोई भी डर, कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूँ डर के आगे जीत है। अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, अपने कुशल चिकित्सक को बताएं, आपके नजदीकी कोई भी फैमिली डॉक्टर को बताएं, कोई अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिले, एक अच्छे काउंसलर से मिले। और आप बोलेंगे मेडिसिन, देखिए मेडिसिन डिपेंड करती है आपके कॉज पे, आपका क्या कॉज है। साइकोलॉजिकल कॉज में कोई मेडिसिन नहीं, प्लेसिबो दे देते हैं। प्लेसिबो मतलब बिना दवाई की गोलियां, ऐसी शक्कर की गोलियां आती है। और अगर आपको लगता है कोई ऑर्गेनिक कॉज है, अगर मास्टरबेशन की वजह से आपका इरेक्शन लूज हो रहा है बहुत ज्यादा, अत्यधिक बैड इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन आपने किया है, उसकी वजह से अगर अभी भी आप शादी के बाद भी मास्टरबेट करते हैं, तो उसके लिए बेलिस पर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, नोट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बेलिस पर 6CH पोटेंसी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स, मतलब मास्टरबेशन के बाद अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सेकंड मेडिसिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि इरेक्शन आ ही नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, कोल्ड हो गया, पेनिस रिलैक्स हो गया, तो एग्नस कास्टस एक बहुत अच्छी मेडिसिन, इसको 6CH में या मदर टिंचर में देते हैं, लो पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन, अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म है या टोबैको स्मोकिंग की, या स्मोकिंग की वजह से या टोबैको की वजह से आपको लगता है तनाव नहीं आ पा रहा और ये मेरी लाइफ स्टाइल बहुत बेकार है अल्कोहलिज्म, तो कैलेडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन, कैलेडियम को भी 6CH पावर में लेते हैं। चौथी मेडिसिन रहती है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपका डाइजेस्टिव ट्रबल है, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज्यादा मोटापा है, तो नट्स ओमी का बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक और ऐसी मेडिसिन है जिसके बहुत ही रामबाण रिजल्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, एक ऐसी मेडिसिन जिसमें सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, पेशेंट की गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत बढ़ जाती है, मीठा खाने का मन करता है, पेशेंट थका थका रहता है, उसको लगता है मैं दिमाग से भी थका हुआ हूं, इंटेलेक्चुअल तो होता है मगर थका हुआ रहता है, लाइकोपोडिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको बच्चों में यानी 18 से 25 साल यानी यंग एज में और ओल्ड एज में बहुत अच्छा काम करती है। और एक लास्ट मेडिसिन बता देता हूं, जिनसेंग, जिसको रामबाण दवाई का नाम दिया गया, जिनसेंग अगर मदर नेचर हम लेते हैं हमारी वाइटिलिटी बढ़ती है, हमारी सेक्सुअल पावर बढ़ती है, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो देखिए एक कॉमन मेडिसिन बता देता हूं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती है, पहले तो बिना सेल्फ मेडिकेशन आपको करना नहीं है, डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवाई लेनी है। और वाइटा C15 एक ऐसा नरवाइन टॉनिक है, एम्प्यूल्स फॉर्म में आता है 10 ml का, उसको 5 ml मॉर्निंग में 5 ml नाइट में, बहुत लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एक महीना लेके देखिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, GH-Foz एक सिरप आता है, उसको भी हम नरवाइन टॉनिक के नाम से जानते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, विटामिन B12 भी रहता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं सेल्फ मेडिकेशन, बिल्कुल गलत, मैंने बताया आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, जानकारी के लिए मैंने दवाइयां बताई, तो हमसे संपर्क करें, हमारी वेबसाइट www.bestsexuallogistinbhopal.com। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या जानकारी मिली, सही जानकारी मिली, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, नमस्कार दोस्तों, जब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।